हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत का खाना। आज की रेसिपी है मूंग दाल भजिया। ये मुंबई में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बरसातों के टाइम और सर्दियों के टाइम लोग इसको अक्सर खाना पसंद करते हैं और ये एकदम सिंपल तरीके से बनती है और उसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा आता है। इसको ठेचा के साथ खाने में स्वाद इसका और भी बढ़ जाता है। और इस रेसिपी वीडियो को आप सभी लोगों ने पिछले चैनल पर बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इस रेसिपी वीडियो पर मेरे पिछले चैनल पर 8 लाख से ज़्यादा व्यूज़ थे और 10,000 से ज़्यादा लाइक्स थे और आप सभी लोगों ने इस पर काफी अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, जो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए हम मूंग भजिया की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मूंग भजिया कई तरीके से बनाई जाती है, जिसमें कई तरह के मसाले डलते हैं। और मुंबई की स्ट्रीट स्टाइल जो मूंग भजिया है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती है। इसमें इंग्रेडिएंट जो है बहुत ही कम डलते हैं और ये बरसातों के टाइम और सर्दियों के टाइम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है मुंबई में। और मुंबई के आसपास जितने भी हिल स्टेशन है वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और यहाँ पे लोग बरसातों के टाइम पे जब भी हिल स्टेशन जाते हैं, जब भी लोनावला जाते हैं, तो वहाँ पे एक फेमस दुकान है जहाँ पे मूंग भजिया मिलती है। तो वहाँ से लोग आधा आधा किलो, एक एक किलो पैक करा के लॉयंस पॉइंट और टाइगर पॉइंट में ले जाके उसको खाते हैं। और साथ में इसके साथ जो चटनी मिलती है वो ठेचा चटनी होती है और कोई और चटनी मिलेगी भी नहीं आपको, सिर्फ वो ठेचा चटनी देती है। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही पिछले वीडियो में डाल रखी है, आप उसको चेक कर लें और उसका आई बटन आपको ऊपर मिल जाएगा और वीडियो के एंड में आपको बॉक्स में भी इस साइड की तरफ मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ वो ठेचा चटनी की रेसिपी देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ओरिजिनल रेसिपीज लाता रहूँगा। तो चलिए हम मूंग भजिया की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए है 400 ग्राम मूंग लिए और उसको मैंने अच्छे से 3 से 4 घंटे तक भिंगो के रखा है। और इसको मूंग की धुली दाल भी बोलते हैं। ये अच्छे से धुल गई है, देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, 2 टुकड़े हो जा रहे हैं इसके। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे और हमें इसको ज़्यादा नहीं पीसना है, उसको हमको हल्का हल्का दरदरा भी रखना है, नहीं तो हमारे पकौड़े ठोस हो जाएंगे। तो चलिए इसका हम पेस्ट बनाते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, मैंने इसको भिगोने के बाद इसका पूरा पानी निकाल दिया अच्छे से, इसके अंदर पानी नहीं रहने देना है। अब इसको हम इसमें निकाल देते हैं ग्राइंडर में। अब मैंने सारी दाल इसमें डाल दी, अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए इसको मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है, इसका अच्छा सा पेस्ट बन गया हमारा। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसको हम चम्मच के मदद से सारा निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए कितना अच्छा हमारा बैटर तैयार हुआ है। ऐसे हमको दरदरा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ना ज़्यादा मोटा। देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया। अब हम देख लेते हैं इसमें डालने के लिए हमें और क्या क्या चाहिए। बहुत सिंपल से मसाले चाहिए, ज़्यादा नहीं। हमने लिए हरी मिर्च, ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और मैंने लिया थोड़ा सा अदरक, ये 1/2 से 1 इंच अदरक है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है एकदम फाइन तरीके से। और हमने लिया है धनिया, ये खड़ा धनिया है, उसको मैंने हल्का सा दरदरा इसको पीस लिया है 2-3 बार चलाकर मिक्सी में। ये देखिए इस तरह से हमको इसके बीज रखने हैं, 50-50% में उसके बीज होने चाहिए, बीच में से टूट जाने चाहिए अच्छे से। और यही इसका सीक्रेट है, हमें धनिया के दाने खड़े खड़े रखने हैं और एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, एकदम दरदरा रखना है, जैसे इसके बीच में से बीज जो है 50-50% में डिवाइड हो जाए। और इसी से हमारे मूंग भजिया बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे, आप जरूर उसको ट्राई कीजिए। और हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, ये मैंने 2 चम्मच लिया है। तो चलिए हम अपने बैटर में सारे मसाले डाल लेते हैं। अब हमने अपना बैटर ले लिया है और मैंने कढ़ाई पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, इसी में हम अपना मसाले डालते हैं। अदरक डाल देते हैं हम, जो हमने फाइन तरीके से उसको कद्दूकस किया था अच्छे से। और इसमें ऊपर से हम धनिया डाल देंगे, ये मैंने 2 चम्मच यूज़ करूँगा इसको। और ऊपर से हम हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटा हुआ और नमक 2 चम्मच स्वाद अनुसार। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसको हमको अच्छे से मिलाना है, जैसे इसके अंदर अच्छे से एयर बबल बन जाए। और आपको पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक जो आ रहा है वो मैं नहीं चला रहा हूँ, ये मेरे घर के बगल में इस्कॉन टेम्पल है, उसी का बैकग्राउंड म्यूज़िक आता रहता है। तो अक्सर मैं सारी वीडियो में जहाँ जहाँ आवाज़ आती है तो मैं बता देता हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर्स को। इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं और उसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर उसके बाद हम उसके मूंग भजिया बनाएंगे। अब हमारे 5 मिनट हो गए, तो चलिए अब हम इसकी मूंग भजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है और उसको मैंने अच्छे से गर्म कर दिया है। अब हाई फ्लेम में हम अपनी मूंग भजिया छोड़ेंगे
अगर आप चम्मच की मदद से चाहे तो चम्मच की मदद से छोड़े, फिर हाथ की मदद से भी चढ़े होगा। अब एक बैच मैंने डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से होने देते हैं और जो पहले हो गए हैं, जो हमने एक दो तीन जो पहले स्टार्टिंग में डाले थे उसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इसको हम एक स्टील की प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको भी अच्छे से होने देंगे हम और हमको इस तरह से लाल रखने हैं और एकदम ज़्यादा लाल भी नहीं रखने, सुनहरे सुनहरे रखने हमको। और बाकी भी जो हो रहे हैं उसको भी हम निकाल लेंगे। एक लॉट मैंने हाथ से डाला और दूसरा लॉट हम मैं चम्मच से डाल के दिखाऊंगा। अब जो हो गए हैं पहले से उसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए चम्मच से ये थोड़ा फ़ायदा होता है कि सब टाइमिंग से एक साथ जाते हैं और हाथ से थोड़ा डिले हो जाता है। और इसमें जो जो होते जाएंगे उसको मैं एक एक करके निकालता जाऊंगा, जिस तरह से इसका टाइमिंग भी रहता है आगे पीछे। अभी देखिए जैसे ये वाला हो गया इसको मैं निकाल लूँगा। देखिए हमको हल्के से सुनहरे रखने, ज़्यादा लाल नहीं रखने। ये देखिए ये भी हो गए, ऑलमोस्ट डन हो गए इनका। देखिए आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसका खाने का मज़ा ही अलग होता है बरसातों के टाइम पे और सर्दियों के टाइम पे। और जो मैंने पिछली रेसिपी जो डाली है ठेजा की, और उसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिए। ऐसे ही अब मैं दूसरा बैच डाल देता हूँ चम्मच की मदद से। अब मैं दूसरा बैच डाल रहा हूँ चम्मच की मदद से। ये देखिए चम्मच से क्या होता है, मेरे को बार बार कैमरा ऑपरेट करना पड़ता है ना, तो आसानी रहती है, बार बार हाथ धोने नहीं पड़ते और फटाफट भी हो जाता है, टाइमिंग परफेक्ट रहती है। बाकी आपके ऊपर, आपको जैसा अच्छा लगे। उसका डालने का तरीका भी थोड़ा ऐसा है, इसको ऐसे घुमाव दे दीजिए अपने बॉल में। ये देखिए इस तरह का, जैसे ये लिया बैटर आपने, हल्का सा ओवल शेप देके उसको डाल दीजिए। अब देखिए इसमें जो पहले डले हैं वो फटाफट होते जा रहे हैं, उसको हम निकाल लेंगे। अब मैंने सारा लॉट डाल दिया है, अब इसमें जो पहले जो हो जाएंगे उसको हम एक एक करके निकालते रहेंगे और उसको हम हल्का हल्का चलाते रहेंगे। मैंने जो फ्लेम है मीडियम फ्लेम रखी है, क्योंकि हमारी जो मूंग दाल रहती है अंदर से कच्ची रहती है, तो मीडियम फ्लेम में पहले हाई फ्लेम रखा है फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम कर दिया है, जिससे वो अंदर से अच्छे से पक जाए। और जो उसमें पहले होते जाएंगे हम उसको निकालते जाएंगे, जो हमने स्टार्टिंग में तीन चार एक ऐसे जो काउंटिंग में डाले थे उसको निकालते जाएंगे हम। अभी जैसे ये लाल होते जा रहे हैं, जो हमने पहले डाले थे उसको हम निकालते जाएंगे इसमें से अलग कर करके। जैसे जैसे सुनहरे होते जाएंगे वैसे हम निकालते जाएंगे इनको। अब हमारे मूंग भजिया हल्के से सुनहरे हो गए, अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया, हमने इसमें कोई हल्दी नहीं डाली है और कोई लाल मिर्च नहीं डाली है। इसका जो मूंग का कलर होता है ना येल्लो वाला, उसी से उनको देखते स्वाद आ जाता है, एकदम येल्लो येल्लो बने और हल्के से सुनहरे हो गए। आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे, मुंबई स्टाइल स्ट्रीट फूड। इसकी खुशबू भी अलग होती है, जहाँ पे जिस शॉप में बनते हैं तो उसकी खुशबू से ही लोग खींचे चले जाते हैं। ये देखिए आवाज़ से ही मानना पड़ रहा होगा कि कितने क्रिस्पी बने ये और अंदर से एकदम सॉफ्ट होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक तोड़ के। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मूंग भजिया को एक प्लेट में निकाल लिया है और मैंने थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल
लुक देने के लिए इस तरह की यूजुअल थ्रो प्लेट में निकाला है, जैसे आपको दिखा सकूँ। और बाकी 400 ग्राम मूंग में इतने सारे भजिया निकले आते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, ऊपर से एकदम कड़क रहते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहते हैं। देखिए, अंदर से एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। मैं जूम मार के दिखाता हूँ। ये देखिए, एकदम से मस्त हो गए हैं अंदर से। और आप भी इसको जरूर बनाइए अपने घर पे। और इसके साथ मैंने रखा है ठेचा, ये ठेचा चटनी है, ये मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और एक मूंग भजिया लीजिए, इस तरह से ठेचा लगाइए और उसको खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही ज़्यादा लजीज बनते हैं, आप जरूर उसको ट्राई कीजिए। और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और आने वाली मोर रेसिपीज़ के लिए और मोर किचन टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना। उसको मैं खाने का बहुत मन कर रहा है। बाय बाय।